हे गाइस, पिछले बार हमने ये जो पार्ट 3 बनाया था उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कहाँ तक हुआ था। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने अंदर चोच डाली और ये देखिए ऐसे हो गया। सो इसके आगे हम शुरू करते हैं। देखिए ये कहाँ तक एनिमेशन ख़त्म हुआ था एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक देखो और ये ऊपर आ रहा है। सो ऊपर आने के बाद ये उसका जो एक्शन होगा वो हमें करना है। तो ये डायरेक्टली हम एक्शन से यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये ऊपर आ रहा है ना जो 220 को, सो यहाँ पे ये एक्शन हम शुरू कर सकते हैं देखा जाए तो। सो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहले हम मॉडिफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट टू ले लिया मैंने। फर्स्ट टू लेने के बाद ये ऐसे एनिमेशन किया, इसको हम ऐसे करेंगे। उसके बाद जूम इन करके इसकी आँखों के अंदर भी एनिमेशन करना होगा हमें, ठीक है। तो हमें आँखों का एनिमेशन मतलब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अंदर गए, ये फ्रेम देखो कितनी है, बाहर उतनी फ्रेम्स पे हमें एनिमेशन करना है। सो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये जो 200 को आया ना, तो 200 को ही एनिमेशन कर सकते हैं। मतलब मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या करना है। तो 200 के अंदर 200 200 200, सो यहाँ से आगे 200 से एनिमेशन हम कर लेते हैं। सो इंसर्ट की फ्रेम और यहाँ पे भी कर लेते हैं, दोनों को कर लेते हैं। इंसर्ट की फ्रेम, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, इंसर्ट की फ्रेम। और यहाँ पे हमें क्लासिकल ट्विन देख के ये जो 205 जो है वो यहाँ पे रखना है और ये जो है वो इस तरह रखना है। देन ये जो है इस तरीके से हमें बंद रखना है। समझ में आया क्या करना है? एकदम सिंपल है। सो इस तरीके से तो ये चिल्ला रहा है ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि चिल्ला रहा है। ओके अभी यहाँ पे आते हैं और देखते, देखो उसने बंद कर दिया आके। प्लीज़ डाउनलोड माई पिक्टोस पसक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है। प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ से वापस से खोल दी, क्योंकि इसको अगर हम सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में अगर जाएंगे तो लुक में देखो ये 100 है। एक्चुअली फ्रेम नंबर है 210, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो वो सेट करनी है हमें। ओके सो ये ऊपर आ रहा है ऐसे और चिल्लाएगा, तो वो एक्शंस हमें करवानी है इससे। देखिए पहले तो हमें क्या करना है, ये जो गर्दन है थोड़ी और ऐसे करेंगे। देन ये जो है ऐसे करेंगे। देन ये भी ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद इसके पैर जो है ना, हम देखो इस तरीके से करेंगे, एक पैर इस तरफ एक पैर इस तरफ ऐसे। तो देखिए एक्शंस समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से एनिमेशन होगा। देखिए ये तो उसने जंप कर दी, ठीक है। सो जंप करने के लिए यहाँ पे हमें इसको ऊपर लेके आना होगा और ये मैं पहले शो फ्रेम कर देता हूँ ताकि उतना दिखाई दे आप लोगों को भी, ठीक है। उसके बाद इसको हम उठा के ऊपर ले सकते चाहे तो, दिख रहे हैं? वापस से वो नीचे जाएगा। सो ये जो एनिमेशन है यहाँ तक 200 तक हम ख़त्म कर देंगे। F10 तक अगर करेंगे, एक बार मैं एंटर से प्रेस करके देखता हूँ। नहीं अच्छा, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फास्ट जाएगा और ऊपर जाके थोड़ा स्लो होगा। सो यहाँ पे हम 70 कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। देखते हाँ अभी ठीक है, और वापस से नीचे आएगा। तो 200 को मैं करके 220 को करके देखता हूँ अंदर से कि वो नीचे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली एकदम सिंपल एनिमेशन करना है हमें। इसको हमें फर्स्ट टूल से सिर्फ ये जो पैर है ना ऐसे नीचे
रखा ऐसे दिखाना है, ठीक है। इस तरह से टेन, ये भी एक्चुअली ये अगर पीछे रहेगा तो अच्छा रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है ऐसे, और पंखों को ऐसे जल्दी जल्दी फ्लैप करेगा। अच्छा, तो ये जो एनिमेशन है ना वो फास्ट होना चाहिए, तो थोड़ा हम क्या करते हैं, ये जो की है वो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक आगे मतलब पीछे ले लेते हैं, मतलब 270 तक ठीक रहेगा। ओके, अगर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे तो कर लेंगे हम लोग वो भी, मतलब यहाँ पे फ्रेम्स अगर बढ़ाएंगे तो देख लेते। यहाँ पे 270 को किया मैंने, ठीक है, तो वो ये 270 को मैं आया, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर दी मैंने। सिंपल क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ उसको नीचे लेके आना है यहाँ पे, बस यहाँ पे हमें क्लासिकल ट्विन देनी। अभी देख लेते क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे रख दिया ये, सॉरी थोड़ा पीछे और नीचे, ये ठीक है। तो इसको मैं और ऊपर ले लेता हूँ ताकि मज़ा आ जाए देखने के लिए भी। एक बार मैं एंटर शिफ्ट करके देख लेता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार देख लो अच्छी तरह से। सिर को भी मैं क्या क्या कर लेता हूँ, ये इसे मैं इस तरीके से नीचे कर लेता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। और ये भी थोड़े नज़दीक कर लेते हैं, इसे मैं इस तरीके से करके नज़दीक ले कर लेता हूँ, थोड़ा हल्का सा यहाँ से नज़दीक होगा तो अच्छा ये ठीक रहेगा, देखो। और ऊपर नीचे हमें बाहर ही करना है, यहाँ पे देखो ठीक रहे, अभी ठीक लग रहा है मुझे, देखते हाँ। अभी वापस से वही कीम की फ्रेम हमें कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, लेकिन फ्रेम्स देखो कितने सर कितने हैं, ये कॉपी पोज यहाँ पे अंदर हमें करना है और यहाँ पे पेस्ट पोज करना है। सो मैं बाहर आता हूँ, ये कितनी है 224। अगर हमें चाहिए तो हम लोग इसको भी थोड़ा और ऊपर की तरफ ऐसे कर सकते हैं ताकि ऐसे लगे कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पहली पोज में थोड़ा कम दिखा, बाद में ज़रा ज़्यादा ही वो चिल्ला रहा है। ठीक है, सो ये 224 पे हैं, तो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद यहाँ पे 224 पे मैं एक इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन देनी है, देन इसे हमें ऊपर लेके जाना है। लेकिन देखो नीचे जो लाइन, नीचे यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं नीचे लाइन क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे, क्यों, क्योंकि हमें ग्राउंड पोजिशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे की थी हमें, हमने जो कैरेक्टर था वो कहाँ पे टच किया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको उठा के ऐसे रख देता हूँ, ओके। अच्छा, ये आगे ही रहेगा, थोड़ा पीछे, ये एडजस्ट तो आपको ही करना होगा अच्छी तरह से देख देख के, ठीक है। उसके बाद और दो तीन बार हमें क्या करना है, वही रिपीटेशन करनी है। सो अगर मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे, तो रिपीटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी वापस से नीचे जाना है ना हमें, तो यही की फ्रेम हमें कॉपी पेस्ट करनी है आगे भी, और बीच में राइट क्लिक करके हमें क्लासिकल ट्विन देनी है। उसके बाद ये जो है वो रिमूव ट्विन करना है,
और यहाँ पे जाके पहले हमें फ्रेम भी सेट करना है। यहाँ पे फ्रेम नंबर यहाँ पे लिखा है देखो 230 सेट करना है हमें, तो 230 सेट कर दिया। बाहर आ गए, सॉरी बाहर नहीं आना था, हमें अंदर ही जाना था। सो यहाँ से हमें ये 230 को हमें क्या करना है, 230 को हमें ग्राउंड पे लेके आना है ना, तो उसको मैंने कॉपी पोस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट पोस्ट कर दिया। बाहर आते हम, बाहर आने के बाद यहाँ पे देख लेते, अच्छा तो थोड़ा और ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, ऊपर ले लिया हमने। एक बार एंटर शिफ्ट करके देख लेना, ठीक है। अच्छा तो और एक कर सकते हैं हम लोग, ये जो है ना ये वापस हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो अंदर वाला भी कॉपी पेस्ट होगा अपने आप। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो देखो दिख रहे हैं। और चाहे तो उसके साथ साथ आप ये जो है ना इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं चाहे तो, इस बार ये मज़ेदार है, हमें रिपीट रिपीट भी करवाने हैं और अच्छी तरह से करवाने हैं, ये तरीका अच्छा है। हो गया, एक बार कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं कि वो एनिमेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैमरा जूम इन करेंगे क्रैप के यहाँ पे, और क्रैप बाहर आएगा और वो हमें दिखाई देगा। तो नीचे लाइन जो थी वो हमें निकालनी है, ये ऐसे हो गया देखो। हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फास्ट हो रहा है बहुत। सो हमें ये स्लो करने के लिए हमें क्या करना है, की फ्रेम्स को मैनेज करना होगा, तो वही करना है, दिखाता हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, अंदर जाना है और इनको हमें आगे बढ़ाना है। तो देखो ये यहाँ तक है ना, सो ये की फ्रेम हमें उठा के यहाँ पे रखनी है। उसके बाद इस की फ्रेम को उठा के यहाँ पे रखना है, और ये लास्ट वाली की फ्रेम उठा के यहाँ पे रखनी है। तो हो गया, अभी बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे भी वैसे ही की फ्रेम्स करवाने होंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमने ये जो दो बार ये एक बार ही कॉपी पेस्ट किया था ना, हाँ यहाँ पे ये निकाल देना है। तो क्लियर की फ्रेम, अभी हम पहले अंदर जाके देखेंगे कितने फ्रेम पे है सब कुछ। सो ये 220 से शुरू है, ठीक है। सो 220 से शुरू है मतलब यहाँ से लिख के ये वाली की फ्रेम 220 से शुरू होगी, उसके बाद उसकी आगे वाली ये 240 जाएगी, और ये बीच वाली जो है ना ये बीच वाली जाएगी 230 को जाएगी, ठीक है। अभी हमें की फ्रेम्स भी हमें यहाँ पे सेट करने होंगे, ये 220 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 230 और ये होनी चाहिए 240। सो ये 240। अच्छा एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके देख लेता हूँ, नहीं तो वापस से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा एक बार देख ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया और ये ऐसे किया, उसके बाद हाँ ये इतना एनिमेशन ठीक ही है। हमें क्या करना है, एज इन एज आउट देना है, तो वो हम अंदर भी देंगे और बाहर भी देंगे। सो यहाँ से देखो ऐसे हुआ, उसके बाद ये जो है ये ऊपर चला गया ना। सो ऊपर जाने के लिए नीचे से जब ऊपर जाता है तो फोर्स लगाता है, तो फोर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, तो यहाँ पे हम 70 कर देते और यहाँ पे माइनस सेवेंटी, उसके बाद यहाँ पे 70 वापस से, यहाँ पे
माइनस 70। एक बार इधर देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एनिमेशन है ही नहीं 240 को, वो हमें कॉपी पेस्ट करना है। सेम देखो, ये यहाँ से ऊपर चला गया तो यहाँ पे 70 होना चाहिए है, और यहाँ पे माइनस 70 होना चाहिए। माइनस 70 कर दिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको से लिख किया, यहाँ पे 70, ये नीचे आ गए इसलिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस 70, उसके बाद ये हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको गाइड भी कर लेता हूँ, जो मैंने ऐसे ही एक लाइन बना के रखी थी जो कि हेरन को ग्राउंड जो है वो दिखाने के लिए, तभी वो नहीं दिख रही है इस टाइम। ठीक है, ये नीचे आया, नीचे देखा उसने, उसके बाद देखो ठीक लग रहा है मुझे अभी। सो यही एनिमेशन हमें रिपीट रिपीट करवाना है। ओके, सो ये मैंने पकड़ा, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, और एक बार हम चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये भी पकड़ा और ये कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अल्ट होल्ड रख के मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार हम इसको कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं कि कैसे दिख रहा है, फिर गड़बड़ हो रही है कुछ, वो देख लेंगे, बाद में क्रैप का एनिमेशन कर लेंगे, वो बहुत ईजी है। तो देखो चला गया, अच्छा ओके, तो यहाँ तक ठीक था। आगे हमें जो क्रैब है उसका एनिमेशन दिखाना है। एक बार वापस मैं देख लेता हूँ, ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं लग रही। अभी बाहर आते हैं, बाहर अभी क्रैब का एनिमेशन करेंगे, तो हेरन को लॉक कर देंगे, क्रैब को ऑन कर देंगे। ओके, सो ये कहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से हम कैमरा जूम इन भी कर लेंगे यहाँ पे। सो कैमरा किधर गया, ऊपर है कैमरा, देखो। सो यहाँ से उसने एक बार छलांग मारी, दूसरी बार मारी और तीसरी बार मारी। अच्छा, तो ज़्यादा नहीं दिखाना हमें, ज़्यादा फ्रेम्स नहीं खाने यहाँ पे। सो वन टाइम हो गया, ये टू टाइम यहाँ पे ख़त्म हो, एक वन मिनट, ये वन टाइम हो गया, ये टू टाइम्स हो गया, और एक बार होने दो, और एक बार, हाँ। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 260 से, इंसर्ट की फ्रेम सिंपली, और कैमरा जूम इन करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, और राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन दे दूंगा यहाँ पे, देन कैमरा टूल लेना हमें, ये कैमरा टूल है, इसको हम जूम इन कर लेंगे। जो इस तरफ करना है हमें, नीचे करना है, इसका मतलब नीचे नीचे, ये ज़्यादा ही नीचे हो गया एक्चुअली, पहले जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, और इसे इस तरफ लेंगे, शो फ्रेम कर देता हूँ। अभी क्रैब को देखो मत, ठीक है, क्रैब नहीं है वहाँ पे, तो ये सीन हमें देखना है। तो और एक बार जूम इन कर लेता हूँ, ये मुझे ठीक ही लग रहा है वैसे भी, और एक बार कंट्रोल एंटर करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमें करना है यहाँ पे। तो देखो ये आया, उतरा नीचे, ठीक ही लग रहा है, हल्का सा मैं इसको ऊपर की तरफ से ले लूँगा, ये हो गया। अभी यहाँ से थोड़ा सा पॉज कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 275 से हमें क्रैप का एनिमेशन करना है। तो क्रैप को मैंने ऑन किया, और क्रैप का चलने का एनिमेशन करना है, तो 270 से ही कर लेंगे, वो तो चल ही रहा होगा मुझे लग रहा है, नहीं वो नहीं चल रहा है। तो 270 से करेंगे, तो फर्स्ट टूल मैंने ले लिया, अंदर चले गए, 270 से हमें एनिमेशन करवाना है, तो 270 से, हाँ यही एनिमेशन करवाना है।
और 270, अच्छा 270 यहाँ पे आ गया भारत है, देखते 270 को हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। और इंसर्ट की फ्रेम, देन ये की फ्रेम कहाँ तक एनिमेशन हो रहा है देखते हैं, यहाँ तक। सो ये इंसर्ट की फ्रेम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, इंसर्ट की फ्रेम राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ, क्लासिकल ट्विन, और ये बाहर आ जाएगा इस टाइम पे। सो बाहर आया, और देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो बाहर आएगा तो थोड़ा नज़दीक से ले लेते हैं, हम इसको उठा के मैं थोड़ा और नज़दीक ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा फास्ट ना लगे, लेकिन यहाँ से हम फास्ट करेंगे ही। तो यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ, और ये जो है ऐसे बाहर आया देखो, और इसके बाद 290 से या फिर 295 यहाँ से हम एनिमेशन उसका जो उसके वो नाच के दिखा रहा है उस तरीके का हम दिखाएंगे एनिमेशन। एक बार देख लेते हैं कि फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा वो बढ़ा देंगे लास्ट वाला एनिमेशन, ठीक है वो फास्ट हो रहा है तो हम बढ़ाएंगे एक्चुअली। सो इसको मैं 290 तक कर लेता हूँ, और इसके अंदर वाला जो एनिमेशन है ना वो रिपीट यहाँ तक रिपीट कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं 295 तक कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्टिंग तो आप लोगों को बहुत बार करनी ही पड़ती है कि कैसे एनिमेशन हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, या फिर हो रहा है कि नहीं बराबर, तो देखना ही पड़ता है बार बार। अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ ये ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ से हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, देखो अंदर से हम एक्चुअली 295 ना, तो बाहर आते सॉरी अंदर जाते इसके, और 295 यहाँ तक ही हमें एनिमेशन करना है। सो इंसर्ट की फ्रेम कर दी मैंने, और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर दी एक, उसके बाद ये जो है वो क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ, और देखो यहाँ तक करना है ना। सो ये कौन सी की फ्रेम होनी चाहिए, 295, सो 295, ठीक है। अभी अंदर जाएंगे हम लोग और 295 से एनिमेशन शुरू कर देंगे, फिर बाहर आते देख लेते 296 से, सो 296 से एनिमेशन शुरू कर सकते, लेकिन 300 से शुरू करेंगे एक्चुअली हम, क्योंकि थोड़ा सा पॉज तो होना ही चाहिए। और ये इंसर्ट की फ्रेम एक्चुअली हम एक काम करते हैं, 300 को जो भी एनिमेशन होगा ना वो इंसर्ट की फ्रेम में दिखा तो आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक इंसर्ट की फ्रेम, और इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होगा, मतलब इसके अंदर जाएंगे हम लोग। ये कहाँ से शुरू हो रहा है देखो, 300 से ना, सो 300 से हमें करना है इंसर्ट की फ्रेम। अच्छा इसका हमें शेप चेंज करना है, तो वो कहाँ तक करना है हमें, यहाँ पे देखो
308, सो यहाँ तक करना है। सो इंसर्ट की फ्रेम, अभी इसे हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको मैंने अल्ट होल्ड रख दिया और ऐसे करके बाद में ऐसे और थोड़ा नीचे थोड़ा फनी के लिए मैं ऐसे रख देता हूँ। देखते हैं पहले एनिमेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो शेप ट्विन देख के एक्चुअली ये नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा और थोड़ा ज़्यादा। देखो हंस रहा है और ये भी बाकी के एक्शंस भी करने होंगे, अगर सिर्फ आप हंसने का दिखाओगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए बाकी का जो एक्सप्रेशंस है वो भी आपको दिखाने होंगे ताकि लेकिन वो जो हंसी है ना वो थोड़ी फनी भी होनी चाहिए तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। ये इस तरीके के हाँ ये ठीक है, तो यहां से मैं थोड़ा ये फास्ट चेक कर लेता हूँ ऐसे 50 आ रहे थे यहाँ से मैं राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ सबको और ये जो है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा और उसके साथ साथ ये भी ऊपर चले जाएंगे थोड़े कि उसको देख उसने उसको देखा हंसा और उसके बाद एनिमेशन करेंगे हम लोग। सो देखो और वो हंस के क्या कर रहा है, एनिमेशन कर रहा है। ये अगर ऊपर रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस तरीके से अभी हम एक बार कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं, अगर वो भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा मतलब जो स्माइल है उसकी वो अगर हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ी, एक्चुअली हमें वो थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा तो वो भी करना होगा। एक बार ये हो गया, उसके बाद हंस गया, हंसने के बाद ये ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा पॉज लेगा और इसके बाद वो इंसर्ट की फ्रेम देन यहाँ पे एक बार इंसर्ट की फ्रेम इंसर्ट की फ्रेम और एक बार इंसर्ट की फ्रेम। तो होगा क्या, वो यहाँ से पूरा उठा लेता हूँ मैं, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा इस तरीके से वापस ऊपर जाएगा, इस बार इस तरीके से जाएगा
तो मैं इसको क्लासिकल क्वीन पहले देख के देखता हूँ कैसे हो रहा है। सो ये जो है वो थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, और ये फर्स्ट वाली की फ्रेम है ना, हम सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। सो ये अल्ट होल्ड रख के कॉपी पेस्ट कर दी। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा ट्विन होती है ना वो निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्लासिकल ट्विन देनी है। सो राइट क्लिक करके मैं क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ और ये सेटल्ड हो जाएगा नीचे, देखो इस तरीके से। सो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। उसके बाद एक्सप्रेशंस वगैरह भी हमें चेंज करवाने, जैसे कि इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ मूवमेंट करेगा ऐसे, और ये भी। सो ये पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा करोगे ना तो अच्छा दिखाई देगा कैरेक्टर के जो एक्सप्रेशंस है वो इस तरीके होने चाहिए कि वो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है। ये नीचे, ये नीचे और ये नीचे देखते पहले। अच्छा, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देन ये भी तो है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं आँखों के साथ, ये भी। सो जूम इन कर लेता हूँ, सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं, अभी देखते देखो। और ये जो है अभी इस तरफ आएगा, तो एक एक करोगे तो अच्छा रहेगा ताकि समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है एनिमेशन, क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे रख के मैंने, ये यहाँ पे और ये यहाँ। अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरफ लेके जाना है और आईब्रोज को और आईज को हमें इस तरफ और रोटेशन, ठीक है। अभी एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो है ना ये ऊपर नीचे होंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे सेटल डाउन हो रहा है तो ये नीचे रख देते हैं इसको। तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे तो एनिमेशन नहीं दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे आया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट करके ये जो फ्रेम्स है ना वो 296 करने,
तब जाके अंदर वाला एनिमेशन होगा। ठीक है, एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके देख लेता हूँ कहाँ पे पॉज आ रहा है, या फिर जल्दी हो रहा है, या फिर फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आ गया, अच्छा, तो उसने वन टाइम ही किया है और अच्छा लग रहा है वो। अगर आप लोगों को और भी आगे पीछे करना है या फिर थोड़ा और भी मज़ेदार बनाना है तो वो भी कर सकते हैं आप लोग आपके हिसाब से। तो ज़्यादा जम कराओगे तो अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ मतलब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और अंदर अगर एनिमेशन देख लेते तो ये जो ऊपर जा रहा था ना, सबको ऑल सेलेक्ट करके थोड़ा और ऊपर ले लेना इसको इस तरीके से, देन ये नीचे आएगा और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना अच्छा दिखाई देगा, देखो। ओके, अभी हम बाहर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद लोगों को पता ही है क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करवानी है। सो 315 से हम इंसर्ट की फ्रेम करके ये हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे सो इंसर्ट की फ्रेम और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अल्ट रख के कॉपी पेस्ट करूँगा, वापस से अल्ट रख के कॉपी पेस्ट करूँगा। अभी देख लेते एक बार कंट्रोल एंटर करके, क्योंकि लगभग सीन तो ख़त्म होने ही वाला है। अभी इसके आगे हम क्या करेंगे, पूरे स्क्रीन को चाहे तो ब्लैकआउट कर देंगे। तो ये देखो ब्लैकआउट मतलब मैं दिखा दूँ आप लोगों को कैसे बनाना है। अच्छा, वो जो फ्रेम से आगे बढ़ाने हैं हमें थोड़े और। सो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये जो फ्रेम है वो 400 तक बढ़ा लेते हैं फिलहाल। इंसर्ट फ्रेम, बस एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके लास्ट बार देख लेता हूँ। ये गया अंदर, हेरन आ गया, उसने चोच डाली, चोच डालने के बाद ये देखो हो गया, ये नाच के दिखा रहा है। ठीक है, सो सीन तो अच्छा लग रहा है। अभी हम ब्लैकआउट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ये लगभग ख़त्म ही हो गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों देखेंगे ये ब्लैकआउट करके, और अगला जो पार्ट है वो फोर्थ पार्ट वो बनाने के लिए शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।